कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए एक सीट हुआ है कि आपको एक चुनाव चिन्ह मिल चुका है कैंची चप, क्या कुछ प्रभाव होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में? इस बार झंडा लगभग तय हो चुका है, झंडा में 3 कलर होगा। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं झारखंड की बात, और ये आप देख पा रहे होंगे जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है टाइगर जयराम माथो जी। और आज चास में एक कार्यालय का उद्घाटन था, इसी बीच आज टाइगर जयराम माथो जी आए हैं। चलिए कुछ जानकारी लेते हैं। दादा जोहार। दादा जोहार, नमस्कार। कैसे, क्या कुछ तैयारियां चल रहा है दादा? अभी विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक में है दादा। तैयारियां पूरी प्लानिंग के साथ चल रही है। चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीम बनाकर तैयार करना, सभी समुदाय सभी वर्ग के बीच जाकर एक समन्वय स्थापित करना, झारखंड में जो 2 वर्षों से जो घटित हो रहा है उस विचारधारा को लेकर जाना, तो लगातार हमारे सिपाही लगे हुए हैं। दादा जिस तरह लोकसभा चुनाव में आपको अलग अलग मतलब चुनाव पे लड़ना पड़ा था, जो चुनाव चिन्ह था, इस पर क्या हुआ है कि आपको एक चुनाव चिन्ह मिल चुका है कैंची चप, क्या कुछ प्रभाव होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में इस बार? बिल्कुल प्रभाव रहेगा, क्योंकि सिंबल बहुत मायने होता है। चुनाव लड़ने जाएंगे और अगर सिंबल नहीं रहेगा तो फिर आपका प्रभाव कम होता है, तो इस बार प्रभावी रहेंगे क्योंकि हमारा सिंबल चुनाव से पहले जानकारी हमें हो चुकी है, तो प्रभावी रहेंगे। दादा आप लोगों का जो पार्टी का जो झंडा वगैरह कुछ अभी आया कि नहीं है सामने कुछ झंडा का? नहीं, झंडा लगभग तय हो चुका है, झंडा में 3 कलर होगा, रेड ग्रीन और येलो। दादा अभी जितने लोगों ने अभी लगभग विधानसभा चुनाव में जो आप विधायक का फॉर्म भरने के लिए ऑफर किए थे, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या कुछ अभी कितना दिन तक ये आ जाएगा, किनको कहां से सीट देना चाहिए, क्या कुछ नहीं? देखिए जिन्होंने भी आवेदन किया है सबका स्वागत है, सबसे पहले उनके बीच एक समन्वय स्थापित किया जाएगा, उनके बीच एक बैठक की जाएगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि वे लोग आपस में ही एक रजामंदी कर ले, चूँकि इससे में चुनाव लड़ने में बहुत ही सुविधा होगी, और नहीं तो फिर फाइनली स्क्रीनिंग कमेटी होते हुए संसदीय बोर्ड तक पहुंचेगी और जो निर्णय आएगा वो सबके सामने होगा। दादा आप कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए एक सीट डुमरी लगभग मानिए, जहाँ से दावेदारी प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद दूसरी सीट क्या होगी कौन सी होगी इस पर थोड़ा सा अभी संशय है। पार्टी के भविष्य को आधार मानकर और बहुत कुछ चीज़ों का आकलन करने के बाद दूसरी सीट का अनुमान और घोषणा किया जाएगा। आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या फ़र्क समझते हैं दादा? फ़र्क बहुत सारा है, लोकसभा चुनाव सेंट्रल पर होता है, पूरे देश का चुनाव एक साथ होता है, पूरे देश के मुद्दे एक साथ इंक्लूड होते हैं, राज्य का चुनाव राज्य के मुद्दों के साथ होता है, लोकेलिटी पर होता है, तो फ़र्क तो है, ढेरों फर्क है। तो क्या लग रहा था इस बार विधानसभा चुनाव से आप जितने भी लोग मतलब सीट उतारने वाले हैं, क्या कुछ किस तरह से रणनीति बना रहे हैं और क्या कुछ लोगों को, जैसे आप तो कहीं से लड़िएगा लेकिन आप तो किन्हीं को तो दीजिएगा, वो नया चेहरा रहेगा क्योंकि बहुत सारे पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है, आईसू है, उसके बाद कांग्रेस है, वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, और आप लोग का जो चेहरा आएगा वो कहीं ना कहीं एक नया चेहरा आएगा, किस तरह से क्या कुछ कीजिएगा आप लोग? देखिए संगठन में नया चेहरा मायने नहीं होता है, वोट संगठन के आधार पे होता है, वोट संगठन का जो कई वर्षों का संघर्ष होता है उसके आधार पर होता है। धनबाद लोकसभा रहे चाहे हजारीबाग लोकसभा रहे, वहाँ भी जो हमारे प्रत्याशी थे वो नए थे, उन्होंने कभी एज ए ग्राउंड में उतरकर विशेष कुछ कार्य नहीं किया था संगठन के लिए, लेकिन वोट अच्छा आया, इसका मतलब है कि वहाँ संगठन था, वहाँ जो 2 वर्षों से हमारा संघर्ष है उस संघर्ष की विचारधारा फैल चुकी थी, तो लिहाजा हमें लगता है कि प्रत्याशी के लिए नया होना कोई बड़ी बात नहीं होगी, प्रत्याशी को एक सजाया हुआ मैदान मिलेगा, उस मैदान में उसे अच्छा खेल दिखाना है। दादा एक अभी कल का एक खबर है, जो ONGC पर्वतपुर कोल ब्लॉक है, कोलियारी है कंपनी जो है, उनमें क्या हो रहा है कि बड़ा बड़ा गाड़ी जो ओवरलोड गाड़ी है उनको पार कर रहा है वहाँ से, और कहीं ना कहीं अभी तक भी जो कि अभी CO कुछ आया हुआ है और अभी वहाँ पे मीटिंग चल रहा है, और कहीं ना कहीं ग्रामीण ने जो रोड जाम किए हुए हैं और बहुत सारे मुद्दा वहाँ पे हैं, क्या कुछ कहना है इनके बारे में दादा? देखिए उस विषय पर कई महीने पूर्व हम गए हुए थे, लोकसभा चुनाव से भी पहले गए थे, उसके बाद विषय हमारे संज्ञान में नहीं है, तो जब संज्ञान में नहीं है तो एक पुख्ता टिप्पणी कर पाना उचित नहीं होगा। चलिए दादा जोहार, धन्यवाद दादा। धन्यवाद।